अयोध्या से हैं, जहां जनपद की कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में महिलाओं से सरगना चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 चैन स्नैचर की गिरफ्तारी GIC तिराहे के पास से हुई है। शहर क्षेत्र के 3 चैन स्नैचर रहने वाले हैं, जिनके पास से 1 सोने की चैन, 10,500 रुपए नगद व 1 तमंचा कारतूस, 1 चाकू व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को सामान खरीदने जाने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। पकड़े गए 3 चैन स्नैचर आरोपियों के ऊपर पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। तो वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को SSP प्रशांत वर्मा ने 20,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। कोतवाली नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP सिटी विजय पाल सिंह ने इस मामले का खुलासा किया है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी और जिसको वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम लगी हुई थी। क्षेत्राधिकारी नगर साइलेंस सिंह के पर्यवेक्षण में SHO कोतवाली शमशेर बहादुर सिंह और इनकी पूरी टीम के द्वारा अथक परिश्रम करके इन घटनाओं के अनावरण में सफलता प्राप्त किया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और रहने वाले शहर क्षेत्र के हैं और इनके पास से एक बाइक बरामद मिली है, एक चेन मिली है और इसके अलावा जो है इनके पास से जो है 1 अदद चाकू और 1 तमंचा मैं कारतूस से बरामद हुआ है। ये कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और पूर्व में इनके भी इनके द्वारा घटना की गई है और गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। यहाँ कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी गहनता से विवेचना करके और जहाँ जहाँ इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं तो उसको लिंकअप करके इनके विरुद्ध प्रभावी विधिक और निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। देखिए ये घटना जो है ये बाइक जो इनका बाइक बरामद भी हुई है, ये बाइक पर जो है जाते थे, एक बाइक चलाता था, बाकी ये जो है ओवरटेक करके घटना करते थे। अभी हाल में कल जो है गुलाबबाड़ी के पास में घटना हुई थी, उसके पहले भी 2 घटनाएं हुई थी, तो इन्हीं के द्वारा घटनाएं की गई हैं और ये पुलिस टीम को अच्छी सफलता मिली है, इससे चैन स्नैचिंग घटनाओं पर जो है अंकुश लगेगा।